राम राम जी सभी को। कैसे सभी, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, हमने शुरू कर रखा था भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, जिसको आप संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। साथियों, इससे पहले इसकी 4 वीडियो आ चुकी हैं, आज इसकी 5 वीडियो रहेंगी। जो आज पहली बार वीडियो को देख रहा है, इससे पहले की वीडियो को वो जरूर देख ले इस चैनल पर अगर नया है। साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो टॉपिक रहेगा भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र। साथियों, ये भारत का राज्य क्षेत्र जो है, कई बुकों के अंदर क्या मिल जाता है, संघ व उसके राज्य, संघ व उसके राज्य, संघ व उसके राज्य, ये मिल जाता है, दोनों एक ही बात है। आज का जो हमारी वीडियो है वो इसी को लेकर रहेगी, भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसको लेकर रहेगी। साथियों, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, ये भारत के संविधान का जो भाग एक है, भारतीय संविधान का भाग एक जो पहला भाग है, इसी में भारत का राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है। भाग एक में कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं, अनुच्छेद एक से लेकर और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद 4 तक क्या है, भारत के इस राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल है या संघ व उसके राज्य क्षेत्र में आते हैं। साथियों, इनमें से हम शुरुआत करते हैं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद एक कौन सा है। अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक में किस बात का उल्लेख कर रखा है। साथियों, अनुच्छेद एक में किस बात का उल्लेख है, इंडिया जो कि भारत है, भारत या फिर ऐसे लिख देंगे हम सीधा कि भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि क्या है, इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। हिंदी मीडियम के अंदर अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भारत जो कि इंडिया है क्या है, वो राज्यों का संघ है। लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है। साथियों, यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर आप ध्यान करेंगे, साथियों यहाँ लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन के ऊपर ध्यान देंगे। साथियों, यूनियन का जो मतलब होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ, कि भारत जो है वो शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या है कि राज्यों का संघ है। लेकिन साथियों, इसके संदर्भ में एक और बात कर लेंगे, और कौन सी बात कर लेंगे, साथियों इंग्लिश में एक और शब्द है फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन का भी मतलब क्या होता है, फेडरेशन का भी अर्थ संघ ही होता है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो दोनों संघ है, फेडरेशन का मतलब भी संघ और यूनियन का मतलब भी संघ है। लेकिन इंग्लिश में बात करेंगे तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। इस फेडरेशन का मतलब तो संघ होता है। फेडरेशन का साथियों यूज जो किया गया है वो यूएसए अमेरिका के संविधान के लिए किया गया है, अमेरिका के संविधान में फेडरेशन का उल्लेख है, और जबकि भारत के संविधान में किसका उल्लेख है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी संघ का उल्लेख है, और कौन सा संघ, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता है इसका उल्लेख है। साथियों, फेडरेशन और यूनियन में कोई तो फर्क होगा, तभी इस वर्ड का यूज नहीं किया फेडरेशन का भारत ने, इसीलिए यूनियन का शब्द यूज किया होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं जो यूएसए है, यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, यूएसए में क्या है, 50 राज्य हैं, तो यूएसए जो है वो 50 राज्यों से मिलकर बना है, यूएसए में 50 यूनिट है, 50 इकाइयां हैं। साथियों, यूएसए जो है, इस यूएसए का खुद का एक संविधान है, यूएसए जो है इसके खुद का एक संविधान है, और जो 50 राज्य हैं साथियों, इन 50 राज्यों का भी स्वयं का एक संविधान है, यानी यूएसए के अंदर, यूएसए जो 50 स्टेट है ना, इन सभी के ऊपर एक संविधान है, और 50 के 50 राज्यों का स्वयं का अपना खुद का भी एक संविधान है। तो इसीलिए अमेरिका के अंदर जो है वो राज्य जो है उनका खुद का भी संविधान है और अमेरिका का भी एक संविधान है। साथियों, जहां ये
में इस प्रकार का सिस्टम है उसी को कहा जाता है फेडरेशन। और फेडरेशन में क्या होता है साथियों, फेडरेशन के अंदर अगर कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, अगर वो स्टेट उससे अलग होना चाहता है, यानी उस देश से, उस राष्ट्र से अगर अलग होना चाहता है, तो एक संधि के द्वारा, एक ट्रेटे के द्वारा अलग हो सकता है। फेडरेशन के अंदर जो जो यूनिट से मिलकर वो फेडरेशन, वो संघ बना है, वो यूनिट उस फेडरेशन से अलग जा सकती हैं। अमेरिका के 50 प्रांत, अगर किसी एक प्रांत को ये लगे कि उसे अमेरिका के साथ नहीं रहना, तो वो अमेरिका से बाहर भी जा सकता है। जबकि भारत के संदर्भ में जिस यूनियन का, यूनियन को शामिल किया गया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया था, इसका मतलब संघ। साथियों भारत जो है वो 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भारत में 8 है। तो भारत जो है ये 36 यूनिटों से मिलकर बना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता है। इसका कारण क्या है कि भारत के अंदर जो ये इकाइयां हैं, 36 इकाइयां हैं, ये इकाई कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकती। ये सभी इकाइयों से मिलकर जो भारत बना है, वो इकाइयां कभी भी भारत को छोड़कर नहीं जा सकती। तो जो इकाइयां अपने राष्ट्र से, अपने देश से अलग नहीं होंगी, तो उनके लिए यूनियन का शब्द की प्रयोग किया गया था और यूनियन वर्ड का। और जो इकाइयां अलग हो सकती हैं, अलग जा सकती हैं, तो उसके लिए फेडरेशन का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी फेडरेशन और यूनियन में क्या अर्थ है। साथियों जब हमारी संविधान सभा के अंदर कुछ बात चल रही थी संविधान को लेकर, किसमें बात चल रही थी, संविधान सभा में। साथियों जब संविधान सभा में इसको लेकर बात चल रही थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी। और क्या बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? यह कहा था कि भारत जो है, भारत, इस भारत के लिए कई बार हम किसका यूज कर देते हैं, फेडरेशन का यूज कर देते हैं, फेडरेशन। तो साथियों भारत के लिए फेडरेशन का यूज किया जा सकता है और मानते हैं अधिकांश कि भारत जो है वो फेडरेशन है, भारत जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। साथियों जब ये बात का पता चला और इस बात को अब समय संविधान सभा में उठाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि भारत जो है, भारत वो शांति काल के अंदर क्या है, भारत जो है शांति काल, भारत शांति काल के अंदर क्या है, फेडरेशन है। भारत शांति काल के अंदर तो फेडरेशन है, लेकिन भारत आपातकाल जब भी है, आपातकाल, तो आपातकाल में भारत क्या है, आपातकाल में भारत वो यूनियन है, यूनियन आपातकाल में क्या है, यूनियन है। तो साथियों भारत जो है वो एक फेडरेशन भी है और भारत जो है वो एक यूनियन भी है, लेकिन संविधान के अंदर जो लिखा गया था वो यूनियन का प्रयोग किया गया था, फेडरेशन प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अगर हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लिख देते तो सभी ये मान के चल के कि जिस तरीके से अमेरिका के संविधान है, जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर इकाइयां हैं, तो भारत के संविधान में, भारत में उसी प्रकार की इकाइयां हैं, फिर वो इकाई भारत से अलग होने के मतलब जा सकती हैं। तो इतनी सारी बातें यहां लिखी गई थी। और इससे आगे क्या लिखा गया था, और ये लिखा गया था, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं उस बात को, क्या लिखा गया था कि भारत जो है, भारत, भारत अनस्वर है। भारत क्या है, अनस्वर है। भारत जो है वो क्या है, अनस्वर है, यानी भारत को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट किस प्रकार से नहीं किया जा सकता कि भारत जिन इकाइयों से मिलकर बनी है ना, भारत की इकाइयों को तोड़ा नहीं जा सकता, इन इकाइयों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत अनस्वर है। नंबर एक बात तो ये कर दी, नंबर एक बात, इसके बाद क्या कर दिया, नंबर एक बात क्या दे दिया नंबर एक में कि भारत जो है उसमें 28 राज्य हैं, वर्तमान में बता रहा हूं मैं, 28 राज्य हैं और क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटीज की संख्या कितनी है, यूनियन टेरिटरीज जो है भारत के अंदर कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सरफ कर दूं, स्नैपशॉट आप लेना चाहते तो आप यहां से ले सकते हैं। किस बात का यूज किया था यहां पर, यहां ये लिखा गया भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और क्या लिख दिया, और ये लिख दिया कि भारत जो है इसमें अर्जित किए जाने वाले राज्य भी होंगे, अर्जित किए जाने वाले राज्य, अर्जित किए जाने वाले राज्य क्या हैं, वो भी भारत के अंदर शामिल होंगे। जो अर्जित किए वाले राज्य हैं वो भारत के अंदर शामिल होंगे, ये भी लिखा हुआ है। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत में अर्जित किए जाने वाले राज्य जो हैं वो भारत में शामिल हैं। तो इन सब से मिलकर बना है वो भारत, मिला भारत जो है राज्यों का संघ मिलकर बना है। साथियों अनुच्छेद एक में इतनी बात है। अब यहां से क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था, में साथियों कई बार वो क्वेश्चन आ चुका है, आपने भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा, ये है कि संविधान में,
संविधान में, जो हमारा संविधान है भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में भारत का नाम क्या क्या मिलता है, भारत का नाम क्या क्या मिलता है, तो क्या नाम मिलता है साथियों, ये पूछा गया था पेपर में। तो जब आप आर्टिकल एक को अनुच्छेद एक को पढ़ते हैं तो भारत जो है उसमें एक तो भारत लिखा हुआ संविधान के अंदर और एक लिखा हुआ इंडिया। तो भारत के लिए केवल और केवल दो शब्दों का प्रयोग किया गया था, कौन कौन से दो शब्द हैं, एक भारत और दूसरा किया गया था इंडिया। तो भारत और इंडिया केवल दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया था भारत के लिए। साथियों इतनी सारी बातें दे रखी हैं। जब आप जानते हैं भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, साथियों संविधान के अंदर उन किसी शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल दो ही शब्द हैं, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। तो भारत के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया था, दो शब्द, एक भारत एक इंडिया। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अब अगले अनुच्छेद की तरफ। स्नैपशॉट ले लिया करो, जिसको भी नई बात लगे ना उस नई बात को कॉपी में कहीं नोट कर दिया करो, ताकि उसको रिवीजन करेंगे तो कॉपी के अंदर से देख के उसका रिवीजन कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है, कई सारे साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाद में उसको कॉपी में उतारते नहीं है, और जब कॉपी में नहीं उतारते तो कई दिन के बाद वो स्क्रीनशॉट तो है वो 200-400 स्थान नीचे चला जाता है, और कई कारण से जब फोन हैंग होने लग जाता है तो हम अनावश्यक चीजों को काट देते हैं और गलती से कई बार वो कट भी जाता है। तो साथियों रिवीजन करने का बिल्कुल सही तरीका रहेगा, उसको एक बार कहीं ना कहीं नोट कर लो, चाहे शॉर्टकट के एब्रिविएशन में नोट करो, बिल्कुल कीवर्ड के अंदर नोट कर दे उस चीज को। आगे बढ़ते हैं साथियों अनुच्छेद दो। साथियों इस अनुच्छेद दो में किस बात का उल्लेख है, आप सब जान जाएंगे अनुच्छेद दो में किस बात का उल्लेख है। साथियों जिस प्रकार से ये भारत है, ज़्यादा समय ना लेते हुए बस रफली से एक मैप ड्रा कर ले, इस प्रकार से बस समझना है चीजों को और कुछ नहीं है। ये भारत है, तो भारत है, ये हमारा भारत है, भारत भारत, और भारत के पड़ोसी देश साथियों यहाँ पर आ जाता है नेपाल, यहाँ आ जाता भूटान, ऊपर सब जानते हैं चीन आ जाता है, यहाँ जाता है बांग्लादेश, यहाँ जाता है म्यांमार, यहाँ समुद्र में यहाँ जाता है श्रीलंका। ये तो भारत के मैप के साथ गॉड गिफ्ट मिलता है श्रीलंका। साथियों इधर आ जाता है पाकिस्तान, और कुछ एक पीओके के साथ जो सीमा लगती है साथियों अफगानिस्तान के साथ लग जाती है। साथियों ये इतने सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर भारत में इन पड़ोसी देशों का कोई भी हिस्सा अगर शामिल किया जाए, उम्मीद है समझ गए होंगे, इन पड़ोसी देशों से कोई भी हिस्सा अगर भारत में शामिल किया जाएगा तो अनुच्छेद दो जो है उसके तहत ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब अनुच्छेद दो में किस बात का उल्लेख है, सब के सब जान गए होंगे, और क्या है, बाहरी राज्यों का भारत में विलय, बाहरी राज्यों का भारत में विलय। तो बाहर से कोई भी अगर किसी भी राज्य को अगर भारत में शामिल किया जाएगा तो अनुच्छेद दो के तहत वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और अनुच्छेद दो में ही किस बात का उल्लेख है कि बाहरी राज्यों का भारत में प्रवेश, अनुच्छेद दो में ये दे रखा है। साथियों जब भी बाहरी राज्यों का भारत में प्रवेश किया जाएगा तो ऐसे संदर्भ में संसद जो है वो कानून बनाएगी, संसद क्या करेगी, वो कानून बनाएगी। साथियों हमारी संसद जो है ये कानून बनाएगी, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी, जब बाहरी राज्यों को भारत में शामिल किया जाएगा तो कानून बनाने का हक किसके पास होगा, तो साथियों कानून बनाने का हक हमारी पार्लियामेंट के पास होगा, हमारी संसद के पास होगा। संसद जो भी कानून बनाएगी वो हमेशा और हमेशा साधारण बहुमत से कानून बनाएगी। कैसे बहुमत से कानून बनाएगी, साधारण बहुमत से। और साथियों जब भी किसी बहुमत को साधारण बहुमत से, जो किसी भी कानून को साधारण बहुमत के तहत अगर बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया तो नहीं होती, और जहां अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं होगी तो उन्हें संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं गिना जाएगा, संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं गिना जाएगा। हमारी संसद ही कानून बनाएगी, लेकिन संसद जो भी कानून बनाएगी वो हमेशा साधारण बहुमत से कानून बनाएगी, और साधारण बहुमत से जो भी कानून बनाए जाते हैं उनमें संविधान संशोधन विधेयकों को नहीं गिना जाता। साधारण बहुमत से जो भी कानून बनते उनको संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं गिना जाता। साथियों अनुच्छेद दो में ये सारी बात दे रखी है,
इसको भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। बस ध्यान रखना, बाहरी राज्यों के विलय करेगा अगर भारत के अंदर, तो कानून बनाने का हक किसके पास होगा? साथियों ऑप्शन के अंदर वो दे सकता है, राष्ट्रपति के पास होगा, संसद के पास होगा, प्रधानमंत्री के पास होगा। तो साथियों संसद के पास होगा, संसद ही साधारण बहुमत से कानून को पास करेगी। बढ़ते हैं साथियों अब अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद साथियों इंपोर्टेंट हो जाता है, और कौन सा अनुच्छेद इंपोर्टेंट हो जाता है? अनुच्छेद 3। साथियों अनुच्छेद 3 के अंदर किस बात का उल्लेख है? साथियों अनुच्छेद 2 तो आपने देख लिया, इसमें तो बाहरी राज्यों का उल्लेख दे रखा था, अब अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में बाहर से कोई भी लिंक नहीं करना, आपने भारत के अंदर की ही सभी बातों को देखना है। और भारत के अंदर की ही अगर बातों को देखेंगे तो ये भारत जो है, इस भारत के अंदर सभी जानते साथियों कि 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे मिलकर ये भारत जो है ये संघ बना हुआ है। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं 28 राज्य हैं साथियों, मोटा मोटा देख लियो 28 राज्य इस प्रकार से बने हैं, सभी को पता है, छोटा बड़ा कोई बात नहीं, एक बार मान के चले कि इस प्रकार से ये यूनिट जो है ये कटी हुई है। भारत के अंदर 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो इस प्रकार से बटे हुए हैं। अगर साथियों यहां पर कोई भी राज्य है, सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा रेखाएं बनाई जा चुकी है। अगर मुझे पता है, आपको ये समझाना है, अगर किसी भी राज्य के अंदर चाहे वो 28 राज्यों का जिक्र हो, चाहे वो 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र हो, अगर किसी भी राज्य के अंदर, एक एक पॉइंट में लिख ही देता हूं, अगर किसी भी राज्य के अंदर क्या करना हो, किसी राज्य के, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, साथियों किसी भी राज्य के अगर सीमा बाउंड्री के अंदर अगर परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत ही वो सारी कार्रवाई होंगी। तो भारत के किसी भी राज्य के अगर सीमा में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया होंगी। नंबर एक बात तो ये होगी, नंबर दो बात क्या होगी, किसी राज्य का नाम बदलना हो। जैसे आप सभी जानते हैं भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका नाम भारत के वे संसद के द्वारा बदले जा चुके हैं, आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ था, सभी को पता उत्तराखंड जो आज का राज्य है साथियों, इस उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तरांचल से इसका नाम बन के अब वर्तमान में उत्तराखंड हो चुका। साथियों सभी को पता है भारत का एक राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा का नाम चेंज होकर ओडिशा कर दिया गया है। इस प्रकार से भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिनका नाम परिवर्तन हो चुका है। साथियों आपने बहुत सारे राज्यों के नाम में परिवर्तन देखा होगा। तीसरी बात क्या है, आप सभी जानते हैं जब 1956 का हम जिक्र करते हैं तो आप सबको पता है कि उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज राज्य 14 से बढ़कर 28 हो चुके हैं। या 28 कहां से हो चुके, क्या भारत ने एक्स्ट्रा कोई जमीन घेर ली थी, क्या भारत ने किसी देश को अपने शामिल कर लिया था राज्य क्षेत्र में? ऐसा बिल्कुल नहीं थी, ये बाउंड्री पहले भी थी और आज भी है। लेकिन वो किस प्रकार से हो चुका, मान लो कि भारत का ये कोई एक राज्य है, ये कोई भी एक राज्य है साथियों, इस राज्य का बंटवारा करना हो तो इस राज्य का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इसका बंटवारा किया जा सकता है। और जब एक राज्य का बंटवारा होगा तो इस राज्य को अलग नाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अब तक तो ये केवल एक राज्य था, लेकिन बंटवारा होने के बाद ये दो राज्य हो गए। तो किसी राज्य का बंटवारा करके, किसी राज्य का बंटवारा करके नया राज्य बनाना हो, किसी नए राज्य का उदय करना हो, कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी। साथियों यहाँ भी क्वेश्चन को क्लियर कर लें, अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का बंटवारा करके कोई नया राज्य बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, कानून बनाने का जो हक होगा वो संसद के पास होगा। और साथियों संसद जो भी कानून बनाएगी वो किस तरीके से कानून बनाएगी, वो साधारण बहुमत से कानून बनाएगी। किस प्रकार से कानून बनाएगी, साधारण बहुमत से क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। और साधारण बहुमत से अगर किसी भी कानून को बनाया जाता संसद के द्वारा, तो वहां पर संविधान संशोधन विधेयकों में उसको नहीं गिना जाता, संविधान संशोधन विधेयकों में केवल उन्हीं को गिना जाता है
जहां अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया हो, यहां तो अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया हो रही है और पीछे देखा था हमने अनुच्छेद 2 के तहत प्रक्रिया हो रही थी। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाते हैं वो साधारण बहुमत से कानून बनाए जाते हैं और साधारण बहुमत से जो भी कानून बनते हैं उनको संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं गिना जाता। इस बात को आप क्लियर कर लेंगे। साथियों आगे मेरा आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, आगे मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत का एक राज्य था और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, भारत का एक राज्य था आज भी है आंध्र प्रदेश। साथियों सभी को पता है आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था और 2014 में बंटवारा हुआ था, इसी आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य निकल के आया था जिसको नाम दिया गया तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य निकल के आया था कि नहीं निकल के आया, 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 31 अक्टूबर 2019 से उसने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करना शुरू कर दिया, तो राज्यों की संख्या 29 से घटकर कितनी हो गई थी, 28 हो चुकी है। साथियों अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, अगर किसी राज्य का बंटवारा करके और कोई नया राज्य बनाना हो, मान लो कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना राज्य बनाया था, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, नंबर एक बात क्या होगा, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति सर्वप्रथम क्या करेगा, जिस भी राज्य का इस प्रकार से हमने बंटवारा करना है उस राज्य के पास संदेश भेजेगा और राष्ट्रपति उसके पास संदेश भेजेगा और संदेश भेजने के बाद राष्ट्रपति जो होगा ये उसकी समय सीमा निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, समय सीमा निर्धारित करेगा कि उस राज्य के विधानमंडल ने कितने समय के अंदर उस प्रस्ताव को उसके ऊपर अमल करना है, उसको वापिस भिजवाना है राष्ट्रपति के पास। तो समय सीमा का निर्धारण कौन करेगा, ये भारत का राष्ट्रपति करेगा। साथियों अगर मान के चले कि राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश राज्य के विधानमंडल के पास कोई प्रस्ताव भेज दिया और प्रस्ताव भेजकर ये कहा कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके हम क्या करना चाहते हैं, एक नया राज्य जैसे तेलंगाना बनाना चाहते हैं। साथियों आंध्र प्रदेश का विधानमंडल अगर पूर्णतः मना कर देता है, आंध्र प्रदेश का विधानमंडल कह देता है कि हमें अपने राज्य का बंटवारा नहीं करना, तो साथियों क्या वो बंटवारा होगा या नहीं होगा, क्या हमारी संसद कानून बनाएगी या कानून नहीं बनाएगी, एक बार जरूर बताएं हाँ या ना में करके देखें। तो साथियों अनुच्छेद 3 के अंदर 21 बात का उल्लेख कर रखा है, अनुच्छेद 3 में इसी बात का उल्लेख कर रखा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य से राज्य के विधानमंडल के पास अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भेजता है, अगर विधानमंडल मना भी कर देता है, तो इस अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राय मांगी गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा जो राय मांगी गई थी, साथियों राय क्या है, बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य ने मना कर दिया ना तो भी वो राय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी नहीं है तो संसद कानून बना सकती है, संसद ने कानून बनाया था जब आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था, तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल को ये सूचना दी गई कि आपके राज्य का बंटवारा करके हम तेलंगाना नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया था। और आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश का मना करने के बाद भी तेलंगाना तो राज्य बना, कब बना, 2 जून 2014 को ये राज्य बन गया था। तो साथियों ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राय मांगी गई थी वो बाध्यकारी नहीं है, वो इस अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया था। साथियों एक और छोटी सी बात, हालांकि उसको जो राज्य का विधानमंडल हम पढ़ेंगे ना तो वहां भी जिक्र करेंगे, और कहां जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 168 169 170 171 172 इन सभी अनुच्छेदों के अंदर हम उन बातों को पढ़ लेंगे। साथियों अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, और किस प्रकार का क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य के अंदर, राष्ट्रपति को छोड़ो एक बार, किसी भी राज्य के अंदर अगर राज्य के विधानमंडल का एक सदन है विधान परिषद, राज्य के विधानमंडल का कौन सा सदन है, सॉरी विधान परिषद। साथियों अगर किसी राज्य में विधान परिषद को गठन करना है तो क्या हमारी संसद अनुच्छेद 368 के तहत वो प्रक्रिया करेगी या नहीं करेगी। तो साथियों जल्दी से एक बार जरूर अपने आप में दिमाग लगा के देखें। तो साथियों अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद गठित है,
अगर गठित है तो उसको भंग करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया करनी पड़ेगी, यानी साधारण बहुमत के तहत कानून बनाना पड़ेगा। अगर परिषद विधान परिषद नहीं बनी हुई और नई विधान परिषद बनाना है तो भी अनुच्छेद 3 के तहत क्या करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से कानून हमारी संसद को बनाना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें अनुच्छेद 3 को लेकर थी। अब साथियों इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब मैं अनुच्छेद 4 की बात करता हूँ। साथियों अनुच्छेद 4 के अंदर किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 4 के अंदर से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। और किस बात का डिस्कस करेंगे, एक अनुच्छेद मैंने बीच में जो छोड़ा था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे बीच में तो कोई नहीं छोड़ा, 1 और 2 तो हो चुके, 3 भी हो चुका, तो फिर अनुच्छेद 4 रह जाता होगा। तो बिल्कुल सही है साथियों, अनुच्छेद 4 रह जाता है, लेकिन 4 रहता नहीं है, उस 4 को हमने क्लियर करना है। अनुच्छेद 4, अब बढ़ते हैं हम अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 4। साथियों अनुच्छेद 4 में किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 4 के अंदर साफ साफ लिखा गया है अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत, 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे उनमें क्या करना पड़ेगा, उनमें साधारण बहुमत से कानून बनेगा, साधारण बहुमत से कानून बनेगा। तो जो भी कानून बनेगा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत तो वो क्या होगा, साधारण बहुमत से कानून बनेगा। ये बात कहाँ लिखी गई थी, अनुच्छेद 4 में लिखा गया था कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कानून बनाएगी हमारी संसद वो किस प्रकार से कानून बनाएगी, साधारण बहुमत से कानून बनाएगी। और साथ ही साधारण बहुमत से जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको संविधान संशोधन क्या नहीं किया जाता, संविधान संशोधन विधेयकों में, संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं गिना जाता। साथियों संविधान संशोधन विधेयकों में उनको नहीं गिना जाता। अब मेरा आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि अब तक साथियों वर्तमान तक की मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 18 जुलाई की अगर तारीख तक बात करूँ तो अब तक संसद में कितने संविधान संशोधन, पूरा लिख लेना आप, संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं। साथियों क्वेश्चन क्या है, अब तक संसद में कितने संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं। साथियों आज की तारीख तक अगर मैं जिक्र करूं तो अब तक रखे जा चुके हैं 126 संविधान संशोधन विधेयक। अब तक कितने रखे जा चुके हैं, 126 संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन साथियों पारित कितने हुए हैं, अब तक 126 जो रखे गए हैं संसद के अंदर, संसद में कितने रखे गए हैं साथियों, संसद में रखे गए हैं वो 126 रखे गए हैं, लेकिन संसद में 126 में से पारित कितने हुए हैं, तो साथियों 104 जो हैं ये पारित हुए हैं। अब तक 126 रखे जा चुके हैं और पारित होने वाला कितने हुए हैं, पारित 104 ही हो पाए हैं, 126 में से केवल 104 पारित हुए हैं। साथियों दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संविधान में, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा 3। कौन सा, 3 बनेगा, यानी संविधान में कितने तरीकों से संशोधन हो सकता है, तो 3 तरीकों से संशोधन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन होगा और तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या लिख दिया, तीसरे क्वेश्चन में साथियों इसको मैं यहां से नोट कर रहा हूं, यहां हटा रहा हूं साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 3, यानी 3 तरीकों से हो सकता है, यह आंसर होगा 3। अब मैं क्वेश्चन 3 क्या है कि अनुच्छेद
368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीकों से संशोधन हो सकता है। साथियों पिछले क्वेश्चन का उत्तर आया था वो 3 था, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो आएगा वो कितने तरीकों से हो सकता है, तो 2 तरीकों से हो सकता है। साथियों 3 तरीकों से होगा संविधान में, तो कौन कौन से हैं, और 2 तरीके से है तो कौन कौन से हैं। एक बार इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप 3 तरीके से जो है उसको देखें और उसके बाद अनुच्छेद सॉरी 2 तरीके देखेंगे। पहला तो तरीका ये है नंबर 1, साथियों 3 तरीके पहले तो ये देख लें, 3 तरीके से या 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन सा 3 प्रकार? साधारण बहुमत, कौन सा? साधारण बहुमत से। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। और साथियों तीसरा क्या है? तीसरा है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्य, इसका आधे राज्य मत कर लेना, 1/2 राज्यों का अनुमोदन, 1/2 राज्यों का क्या होगा? अनुमोदन करना पड़ेगा। तो साथियों ये है 3 प्रकार के, तो 3 में साधारण बहुमत, 368 विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। साथियों अब अगर यहाँ से बात करें तो साधारण बहुमत से जो भी कानून बनेंगे वो संसद के द्वारा तो कानून बनाए जाते हैं, संसद के तहत तो संविधान में संशोधन होता है, लेकिन उसको संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं गिना जाता। विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का जो अनुमोदन किया जाता है, साथियों इसके तहत जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें अनुच्छेद 368 के तहत ही, अनुच्छेद 368 के तहत ही क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। और जहां अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए जाते हैं उन्हें संविधान संशोधन विधेयकों में गिना जाता है। जहां भी अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रक्रिया होगी उसी के तहत संविधान संशोधन विधेयक जो भी होंगे उनको संविधान संशोधन विधेयकों में गिना जाएगा और साधारण बहुमत के तहत नहीं गिना जाएगा। विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन जो होगा इसी के तहत जो भी संशोधन होंगे उन्हीं को संविधान संशोधन विधेयकों में गिना जाता है। साथियों ये विशेष बहुमत क्या है, कईयों के दिमाग में आ गया विशेष बहुमत क्या है। साथियों साधारण बहुमत पहले जान लें, साधारण बहुमत किस प्रकार से बहुमत होगा। साथियों आप सबने पता होगा 75% से एक ज्यादा, सॉरी 50% से एक ज्यादा आ जाए, मान लो कि साधारण बहुमत के लिए कोई भी विधेयक अगर प्रस्तुत करना पड़े, पारित करना पड़े, तो उसके लिए आधे सदस्य जो होंगे उनके द्वारा पारित किया जाएगा, आधे प्लस एक, एक क्योंकि अगर 100 सदस्य है मान के चलो तो आधे का मतलब जो 50-50 हो गया, ऐसे नहीं होगा। जिसके पास भी 50+1 यानी 51 सदस्य होंगे उसी को के तहत वो कानून बनेंगे और 49 दूसरे के पास बच जाएंगे, तो 50%+1 यानी 50% से एक ज्यादा होगा तो उस प्रक्रिया के तहत साधारण बहुमत को पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि जहां भी संसद के कुल जो भी सदन होगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अगर कोई विधेयक को पारित किया जाता है तो वो विशेष बहुमत कहलाता है। जिस भी विधेयक के लिए मान के चलो कोई भी बिल लाया गया है, उस बिल को पारित करने के लिए अगर संसद का कोई भी सदन है तो उसको अपनी कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। यहाँ सेम वर्ड है विशेष बहुमत, तो सात बात तो सारी की सारी होगी कि संसद का कोई भी सदन है उसके कुल सदस्य संख्या और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, लेकिन 1/2 राज्यों का अनुमोदन क्या होगा उसको भारत के 28 राज्य जो हैं तो भारत के 1/2 राज्य, आधे राज्य यानी 1/2 का आधा राज्य नहीं होगा, आधे, तो 1/2 राज्य है यानी 28 राज्य हैं, तो 15 राज्यों के पास यानी सभी राज्यों के पास तो भेजा जाएगा लेकिन 15 राज्यों के ने अगर अनुमोदन कर दिया तो उसको पारित माना जाएगा। यानी भेजा तो 28 के पास जाएगा लेकिन अगर 15 ने बहुमत पर मतलब उस पे विधेयक को पारित कर दिया तो समझा जाएगा कि 1/2 राज्यों ने उसको पारित कर दिया है, अब वो संसद के द्वारा पारित हो चुका है, अब उसको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए ही जाना है। तो साथियों ये सारी इतनी सारी बातें थी। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद 4 में और क्या लिखा गया था, अनुच्छेद 4 में साथियों और भी थोड़ी सी बात लिखी गई है। साथियों अनुच्छेद
चार में और क्या लिखा गया था, अनुच्छेद चार में साथियों और भी कुछ लिखा गया था, हम उन सभी चीजों को देखेंगे। साथियों अगर आपने कभी कहीं पढ़ भी रखा होगा और क्या पढ़ा होगा, अनुच्छेद दो ए, अनुच्छेद दो ए, या इसको कोष्टक से हटा दें, अनुच्छेद दो ए। साथियों एक बात को हमेशा ध्यान रखना, मैंने पीछे भी बहुत सारी वीडियो के अंदर जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे तो उनमें भी कई बार ऐसा चीज आई थी, जिस भी अनुच्छेद के साथ किसी भी आर्टिकल किसी भी अनुच्छेद के साथ अगर कैपिटल लेटर के अंदर कोई भी अल्फाबेट मिल जाए इसका मतलब मूल संविधान का भाग नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया होगा। साथियों अनुच्छेद दो ए है ये कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया और किसके लिए जोड़ा गया, किसके लिए जोड़ा गया और साथियों इसको खत्म भी किया गया होगा तो कब खत्म किया गया था, साथियों इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों अनुच्छेद दो ए है, दो ए है इसमें किस बात का उल्लेख है, साथियों आप सभी जानते हैं 34वां संविधान संशोधन जो था, इस 34वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था साथियों, 35वां संविधान संशोधन था वो, 34वां नहीं, इस 35वां संविधान संशोधन जो था, इस 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा ये क्या कर दिया गया, सिक्किम जो है, सिक्किम इंदिरा गांधी की सरकार थी 1974 की बात है, संसद में पारित 75 की बात है, तो कोई बात नहीं एक ही बात है, संसद में रखा गया पारित हुआ था 35वां संविधान संशोधन जो 1974 के नाम से है, ये सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था, सहराज्य एसोसिएट स्टेट्स जो है सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसकी सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार। साथियों ये एक नई श्रेणी बना दी थी, कई जगह आप पढ़ते हैं कि सिक्किम को राज्य का दर्जा देने के लिए 35वां संविधान संशोधन होता ना, साथियों किसी भी राज्य को अगर दर्जा देना तो उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं नए राज्य का गठन होगा तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत प्रक्रिया होगी। तो साथियों 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो शामिल किया गया था भारत क्षेत्र में, तो सह राज्य एक नई श्रेणी बना दी थी, क्या कर दिया सिक्किम के ना, सिक्किम को जो शामिल किया गया इसके लिए एक नई श्रेणी बना दी, एक तो राज्य था एक केंद्र शासित प्रदेश था और एक नई श्रेणी सह राज्य की श्रेणी को बना दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975। साथियों इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया, अनुच्छेद 2 ए है अनुच्छेद 2, साथियों इस अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को जो सह राज्य का दर्जा दिया गया था इस सह राज्य वाली श्रेणी को खत्म कर दिया गया और सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया, सिक्किम क्या है इसको राज्य का दर्जा दे दिया। साथियों राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के दिया नहीं दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 2 ए जोड़ा जा चुका था उसको खत्म किया था, और जब खत्म किया था तो इसको खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ था, ना कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हुआ था। उम्मीद है साथियों ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। साथियों इससे आगे जो पढ़ेंगे भाग दो रह जाता है जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, और बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे भारत के जो संविधान के जो मौलिक कर्तव्य जो भाग 3 में दे रखे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत जय हरियाणवी संस्कृति।